वनवासियों से तो हम निवेदन करेंगे, तुम्हें कोई आंख दिखाए, जादू दिखाए, टोटका करे, भूत बाधा करे, तुम लड़ो मत, तुम हनुमान जी की शरण में आ जाओ। किसकी शरण में आ जाओ बोलो ना, क्योंकि वनवासियों को एक ही दिक्कत है, वो है भूतन की। बहुत ज्यादा गुनिया तांत्रिक टोटका करते रहते हैं तो बेचारे लड़ते रहते हैं। क्या ये बात सही है? हाथ उठा के बताओ ना। अच्छा सही कह रहे हैं। अब तुम परेशान मत हो, क्यों? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ हाँ, महावीर जब निकट भी नहीं आते हैं। जिनके घर पर राम जी का मंदिर होता है वहां हनुमान जी रक्षा करते हैं। कौन रक्षा करता है बोलिए? हनुमान जी कहां रहते? राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, राम द्वारे हनुमान जी कहां पर रक्षा करते हैं? राम द्वारे तुम रखवारे, राम जी के द्वार पर श्री हनुमान जी रक्षा करते हैं। कहां रक्षा करते हैं? अच्छा, भूत प्रीतों से जितने हैरान हैं, आज की कथा सुन लीजिए। अगर आपके घर में कोई टोना टोटका भूत बाधा कर रहा, घबराइए मत। आप अपने घर के अंदर राम जी को स्थान दे दीजिए, राम जी का निवास बना दीजिए, राम जी के द्वार पर हनुमान जी रक्षा करते हैं, हनुमान जी अपने आप अपने तुम्हारे घर के रक्षक बन जाएंगे। या तो हनुमान चालीसा झूठा है, क्योंकि उसमें लिखा राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अगर हनुमान चालीसा झूठा नहीं है तो तुम राम जी को रख कर देखो, भूत तो भूत, तांत्रिक की भी ठटरी भर जाएगी। हाँ, क्योंकि हनुमान जी राम जी, हनुमान जी राम जी के द्वार पर रक्षा करते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आया बिनु पैसारे। तो आप लोग हनुमान जी की पूजा करिए। वनवासियों, अब तुम्हें वन में डरने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी नहीं डरे, अब और मत डरना, क्योंकि अभय अजय रघुनाथ जी तुम्हारे कुल पूज्य राम है, अब तुम्हें डरने की क्या जरूरत? जिनके सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, जिनके सिर पर श्री राम जी होते हैं उनको कोई फिकर नहीं करनी पड़ती। अरे चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की, बलहारी बलहारी बोलो, बलहारी नंदलाल की, बलहारी बलहारी बोलो, बलहारी नंदलाल।